फ्रेंड्स वेलकम टू माय किचन। आज मैं ये पफ पेस्ट्री की एक शीट इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे आधा घंटा मैंने रूम टेम्परेचर पे बाहर निकाल के रखा था। अब ये थोड़ी नरम हो गई है तो मैं पीसेस में कट कर रही हूँ। इसके लंबे हम स्ट्रिप्स काटेंगे, बड़े बड़े पतले मोटे वो आपकी मर्ज़ी है। मैं सही तो ये स्केल, अगर स्केल है तो स्केल की मदद से सीधे सीधे काटें, बिल्कुल सही कटेंगी। तो मैं स्केल की मदद से सारे स्ट्रिप्स कट कर लेती हूँ। फिर बाद में हम एक साइज़ के दो स्पून जोड़ के उसके ऊपर ये स्ट्रिप फोल्ड करेंगे। अगर स्पून पे नहीं करना है तो फॉयल पेपर लें, उसे फ़ोल्ड करें और फिर फॉयल पेपर पे हम इसे फ़ोल्ड करेंगे। तो मैंने स्पून छोटे लिए हैं, बड़े लिए हैं। फॉयल पेपर की साइज़ एक की मैंने छोटी रखी है, दूसरे की बड़ी रखी है, तो वो आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको ठीक लगे। तो ये मैंने कट कर ली, ये मैंने दो स्पून एक साइज़ के मिला लिए हैं। तो एंड से मैं शुरुआत कर रही हूँ, तो अब हम इसे फ़ोल्ड करते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से दो स्पून जोड़ें, वरना एक पतला रहेगा तो इतना स्पेस नहीं बनेगा अंदर। तो दो स्पून जोड़कर फिर इसे फ़ोल्ड करें, कंबाइन टू स्पून ऑफ सेम साइज़। तो ये मैंने एक फ़ोल्ड कर लिया है, अब दूसरे फोल्ड करते हैं। ये हम फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, तो हम ओवन में बेक नहीं कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं ऑयल में। तो इसी तरीके से सारे फोल्ड करते जाएं, बिल्कुल आसान है। आप भी इस डिश को ट्राई करें और फिर फीडबैक दें कि कैसी बनी। तो सारे हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखें, ज़्यादा ना दबाएं चमचे के ऊपर वरना पकने के बाद निकलेगा नहीं। ढीला छोड़ें पर आपस में स्ट्रिप्स को जोड़ते जाएं, चम्मच के साथ इतना ना प्रेस करें, चम्मच के साथ लूजली रखें ताकि ये आराम से पकने के बाद निकल आए। ये मैं छोटे फॉयल पेपर पे फोल्ड कर रही हूँ। अब फॉयल पेपर है तो फॉयल पेपर इस्तेमाल करें, छोटी पेंसिल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल के ऊपर फोल्ड करें, फ्राई करें, फिर निकाल दें बाद में। तो इसी तरह अब लास्ट फॉयल पेपर बचा है बड़ा वाला, इस पर भी हम फोल्ड कर लेते हैं। ये मैंने मोटा बनाया है तो आराम से निकल जाएगा और इसका होल भी काफ़ी बड़ा रहेगा तो फिलिंग करने में आसानी होगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सारे ना मोटे फॉयल पेपर वाले बनाएं, जो मैं अभी बना रही हूँ। इससे बड़ा होल होगा और आराम से फिलिंग हो जाएगी। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रखा था मीडियम फ्लेम पे। चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो सारे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे सुनहरी रंग आने तक। पहले एक साइड से पकाएं, जब पक जाए तो फिर दूसरी साइड से पलट दें। सुनहरा गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे हम। तो मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन फ्राई करें जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, सुनहरी ब्राउन। तो ये देखें, ये नीचे से पक गया है तो मैंने इसे पलट दिया। अब दूसरे भी मैं इसी तरह पलट दूंगी, अच्छा कलर लाएं सबके ऊपर। तो मैंने स्पून भी निकाल दिए, फॉयल पेपर भी निकाल दिया। ये देखें अच्छा होल बन गया है ना, बड़े का होल कितना बड़ा है। तो सजेस्ट करूंगी बड़ा फॉयल पेपर वाला इस्तेमाल करें। अब हम इसमें कस्टर्ड फिलिंग भरेंगे। कस्टर्ड की रेसिपी है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो सब में हम कस्टर्ड भरेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कि अंदर तक फिलिंग पूरी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, योर व्यूज़ मैटर्स अ लॉट। प्रेस बेल आइकन बटन, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। प्लीज़ कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू। यमी।